हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं एक मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन, व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। मैं आज बताने वाला हूं आपको बुढ़ापे की याददाश्त की बीमारी। क्या है कि याददाश्त जो है, मतलब बुद्धि और याददाश्त का कम होना, यह बड़ा खतरनाक हो सकता है। मतलब ऐसा है कि हमको चलाने वाली बुद्धि है और याददाश्त है, अब वही कम हो गई तो जिंदगी कैसी चलेगी। होता क्या है कि कुछ लोगों को जैसी जैसी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसी याददाश्त कम कम होती जाती है। तो उसमें क्या होता है कि चीजें याद, मतलब चीजें कहाँ रखी है याद नहीं रहना, चाबी कहाँ रखी है वो याद नहीं रहना, फिर कभी कपड़े उल्टे पहन लेना, कभी बाथरूम से बिना कपड़े पहनते ही बाहर आ जाना, या फिर रास्ता भूल जाना, घर के घर में ही रास्ता भूल जाना। मतलब कोई कमरे में जाना कि वहाँ टॉयलेट है, टॉयलेट में जाना कि वहाँ कोई कमरा है, फिर लोगों के नाम नहीं याद रहना। जैसे बीमारी बढ़ती जाती है, ज़्यादा ज़्यादा बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उन लोगों को अपन टाइम, प्लेस एंड पर्सन। टाइम मतलब कौन सा, क्या वक्त है वो याद नहीं आता, जगह कौन सी है वो मालूम नहीं रहती, लोगों का नाम, लोगों की पहचान नहीं याद रहती, और अपन कहाँ है वो भी मालूम नहीं रहता कि कौन सी जगह पे है। ये लोग क्या करते हैं, शुरू में जब इनको होता है ये, तो ये उसको छुपाने की कोशिश करते, मतलब चीजें टाप टिप रखना, एग्जिस्टेंस में रखना, मतलब लिख के रखना, ऐसा करते लोग ये, और छुपाते हैं कि मेरे को ऐसा कुछ हो गया। और उनको अपन ने पकड़ लिया कि आपको याद नहीं रह रहा है, तो वो गुस्सा कर लेते, छुपाएंगे और गुस्सा भी करेंगे, ऐसा उनको बोला तो। मगर उनको याद नहीं रहता, अपने को मालूम पड़ जाता कि इनको याद नहीं रह रहा आजकल। पूरी बीमारी जो है याद न रहने की, तो वो 65 साल के ऊपर कम से कम 5 से 10% लोगों को ये बीमारी रहती, 5 से 10% लोगों को ये बीमारी होती है 65 साल के ऊपर, और 85 उम्र के ऊपर 20 से 40% लोगों को याददाश्त की बीमारी हो सकती है। पूरी जो बीमारियां याददाश्त की, जितनी बीमारियां हैं, उसमें से 50 से 60% लोगों को अल्जाइमर्स डिसीज नाम की बीमारी होती है, उसको बोलते हैं अल्जाइमर्स डेमेंशिया। और फिर 20 से 30% लोग ऐसे हैं उसमें के जिनको ये याददाश्त की बीमारी भुलक्कड़पना है, उसमें से 20 से 30% लोग ऐसे है कि जिनको खून की जो नलियां रहती है, वेसल्स, ब्लड वेसल्स, तो उसमें से खून भेजे को पूरा नहीं जाना, कम जाना, उसको बोलते हैं वैस्कुलर डेमेंशिया, उससे होती है। और बाकी भी बहुत कारण है भुलक्कड़पन आने के, जैसे हेड इंजरी हो गई, दिमाग को एक्सीडेंट हो गया, दिमाग को मार बैठ गया, दिमाग हिल गया पूरा, फिर शराब की वजह से होता है, हंटिंगटन्स कुरिया नाम की बीमारी होती है उसके होता है, फिर पार्किंसन डिजीज में ऐसा होता है। तो ऐसी काफी सारी बीमारियां जो ब्रेन की है उसमें भी है, और डिप्रेशन में भी क्या होता है, डिप्रेशन जब होता है लोगों को, मतलब निराशावाद या निराश की बीमारी, हताश की बीमारी, हताश होना, उसमें क्या होता है कि निराशा की जिनको बीमारी है डिप्रेशन की, तो उनको याददाश्त नहीं रहती। हमको ऐसा लगता है कि उनको ऐसा क्यों हो रहा भाई, डिमेंशिया हो रहा क्या, भुलक्कड़पना क्यों आ रहा है, तो भुलक्कड़पना डिप्रेशन की वजह से भी आ सकता है। डिप्रेशन ट्रीट कर दिया उसका तो अच्छा हो जाएगा। पूरे डिमेंशिया में जितने भी डिमेंशिया के, मतलब भुलक्कड़पना के जितने भी कारण हैं, जितने भी बीमारियां, उसमें से 10 से 15% लोग अच्छे हो सकते हैं यदि बराबर समय पर दवाई हमने दिया तो। मगर क्या होता है कि छुपाई जाती है, या वो व्यक्ति खुद छुपाता है, या लोगों को लगता है कि अभी उम्र के हिसाब से ऐसा हो रहा है, जाने दो, ऐसी उम्र, उम्र का तकाना है, ख्याल नहीं रहता है, तो इसलिए फिर इलाज नहीं किया जाता, दवाई नहीं ली जाती, इनको दवाई देने की जरूरत है। धीरे 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 इनको बीमारियां अलग अलग चढ़ जाती है, क्योंकि वो खुद का केयर नहीं करते, घर में भी उनको रखना मुश्किल हो जाता है कभी कभी, रात हुआ ना, रात हो गई कि उनको कुछ समझ में नहीं आता, वो ऐसा बेहोश जैसे हो जाते हैं, मतलब अल्टर सेंसोरियम जैसा उसको बोलते हैं, कि उनको समझता नहीं अपन कहाँ है। तो उनको हरदम जब वो सोते हैं तब कमरे में लाइट होना जरूरी है, ये अक्सर गिर जाते हैं, बाथरूम में गिर जाएंगे, रात को समझेगा नहीं कहाँ जा रहे हैं, वहाँ गिर जाएंगे, फ्रैक्चर हो जाएगा, ऐसी कोई बीमारियां उनको जल्दी हो जाती है, और फिर उसमें उनकी मृत्यु हो सकती है। अदरवाइज डिमेंशिया जो है, भुलक्कड़पना, उसमें वो उसकी वजह से मृत्यु नहीं होती, उम्र का तकरार है और कोई बीमारियां आती है और उससे मृत्यु हो सकती है। इसमें दवाई है जिनकी खोज हुई है अभी, डेमेंशिया, अल्जाइमर डेमेंशिया के बारे में भी, वो दवाइयाँ, वो गोलियां हम उनको देते हैं, कोई टॉनिक्स है, कोई मल्टीविटामिन्स है, वो हम उनको देते हैं,
उनसे बातचीत करना है ना, और उनको उनको काउंसिलिंग करना, उनके साथ में बैठना, उनको न्यूज़पेपर पढ़ने देना, टीवी के सामने बिठाना, रेडियो सुनाना, मतलब उनको रोज के इसमें एक्टिव रखना, और जितने ये लोग एक्टिव रहते हैं उतनी बीमारियाँ कम दिखाई देती है और कम हो सकती है। तो एक्टिव रखने का भी बहुत फायदा हो जाता है। और होता क्या है कि हम उनको टालना चालू कर देते हैं, घर में बैठो, अकेले बैठो, कोई बातचीत नहीं करेगा, समझता नहीं है, और कान में सुना ही आता हूँ तो फिर और हाल मत पूछो। तो उनको न टालते हुए उनको अपने में समा लेना और उनका इलाज करना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके आजू बाजू में आसपास के ऐसे कई लोग होंगे कि जिनको भी बीमारी होंगी, उनको ये जरूर वीडियो शेयर करो, आप खुद सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप व्हाट्सएप पर शेयर करो, फेसबुक के ऊपर शेयर करो इसकी लिंक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फायदा होगा और लोग इसमें अच्छे भी हो सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।